अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं और आपके मन में मलाल है कि प्राइवेट नौकरी में आपको आरक्षण नहीं मिलता, तो अब इसका हल भी कर्नाटक सरकार जल्द ही निकालने जा रही है। स्थानीय लोगों को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य ना जाना पड़े, इसके लिए सिद्धारमैया सरकार एक विधेयक लेकर आ रही है, जिसके तहत अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देना अनिवार्य हो जाएगा। क्या है पूरा मामला और कर्नाटक सरकार कौन सा विधेयक लाने जा रही है, इस वीडियो में आगे हम यही जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। कर्नाटक में जल्द ही प्राइवेट क्षेत्र की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण, यानी कि कर्नाटक के रहने वाले लोगों को अब आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने बीते मंगलवार निजी क्षेत्र में ग्रुप सी और डी के पदों पर कन्नड़ लोगों को आरक्षण लागू करने संबंधी विधेयक को मंजूरी भी दे दी है। इस विधेयक को कर्नाटक रोजगार विधेयक का नाम दिया गया है, जिसके तहत मैनेजमेंट लेवल में 50% और नॉन मैनेजमेंट लेवल में 70% आरक्षण देने की बात कही गई है। वहीं सी और डी कैटेगरी में 100% आरक्षण देने की बात भी कही है। सरकार के इस फैसले के बाद कर्नाटक में विरोध के स्वर भी उठने लगे। बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि निजी कंपनियों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने के कर्नाटक सरकार के फैसले से उच्च कौशल वाली भर्ती को बाहर रखा जाना चाहिए। वहीं मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वो पोस्ट भी डिलीट किया जिसमें उन्होंने 100% आरक्षण देने वाले विधेयक का स्वागत किया था। वहीं अब इस पूरे मामले पर कर्नाटक सरकार के श्रम मंत्री संतोष लाड का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज ये मैनेजमेंट के तौर पे 50% लोगों को रिजर्वेशन देने की बात हुई है और नॉन मैनेजमेंट लेवल में 70% लोगों को काम देने की बात हुई है। सरकार ये नहीं कि हम इंडस्ट्री को बहुत जोर से करना चाहते, यदि वो इस तरह का स्किल यदि अवेलेबल नहीं है वो बाहर से भी लेके आके वो लोगों को यहाँ काम दे सकते हैं, बट जब लोकली यहाँ स्किल अवेलेबल है उनको प्रेफरेंस करना करके सरकार की एक नया कानून लेके आने की कोशिश कर रही है। क्या सरकार ने सर्वे किया है कि सर प्राइवेट सेक्टर में कितने कैंडिडेट्स हैं, क्या है, कुछ सर्वे किया है, रिपोर्ट है? सर्वे की रिपोर्ट नहीं, वो लोग कभी देते नहीं ना, प्राइवेट सेक्टर वाले आज तक तो नहीं दिए। सरकार के सब जब आते हैं तो सरकारों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से बिजनेस होती है एंड वो बिजनेस होना भी चाहिए, लेकिन इधर ये हम बता रहे क्योंकि कर्नाटक में इतना स्किल अवेलेबल है, या मेड बी इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे ज्यादा ये मेडिकल कॉलेज इधर ही है, ITI बताइए, डिप्लोमा बताइए, इंटरनेशनल स्कूल्स है, सो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी इधर आ रही है। सो जब आ रही है तो हम लोग ये बोल रहे भाई 70% तक नॉन मैनेजमेंट में दीजिए, वहाँ यदि वो टैलेंट अवेलेबल नहीं तो बाहर से लेके आइए, सो 50% मैनेजमेंट में दीजिए। राज्य सरकार के इस कानून से मोहनदास पई, किरण मजूमदार शाह वो सभी थोड़े खफा है, कुछ नाराज है, कुछ सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, उनके अभी सरकार के खिलाफ नहीं है, ये बिल के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ नहीं है। सो ऑब्वियसली उनकी ऑपरेशन जो है, उनके जो भी राय है हम रेस्पेक्ट करते हैं उनको, वी विल टॉक टू देम, विल अंडरस्टैंड इन स्टिल अ बेटर वे ऑल्सो। जरूर जरूर बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। जी हाँ, यदि पर्याप्त संख्या में स्थानीय अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो कंपनियां इस नियम के प्रावधानों में छूट के लिए सरकार से आवेदन कर सकती है और बाहर से वर्कफोर्स बुला सकती है, लेकिन वरीयता स्थानीय लोगों को पहले दी जानी चाहिए। अब ये स्थानीय लोग कौन होंगे, इसे भी सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है। इस बिल में स्थानीय को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि स्थानीय वो है जो कर्नाटक में जन्मा हो, 15 वर्षों से राज्य में रह रहा हो और स्पष्ट रूप से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है उस अभ्यर्थी के पास कन्नड़ भाषा का माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें नोडल एजेंसी की ओर से लिए जाने वाले कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा पास करनी होगी। तो ये था कर्नाटक सरकार का वो विधेयक जिसके तहत अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन जब तक ये बिल लागू नहीं होता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।